दोस्तों, क्या आपको पता है कि गूगल आपके बारे में आपसे ज्यादा जानता है? अगर आपको ये नहीं पता है तो आपको ये वीडियो जरूर से पूरा देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि गूगल आखिर हमारे बारे में हमसे ज्यादा कैसे जानता है। और साथ ही साथ इस वीडियो में मैं ट्यूटोरियल भी दिखाऊंगा, उन कुछ सेटिंग्स के बारे में हम बात करेंगे जिसको आप ठीक करके अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हो और गूगल आपसे वो डेटा नहीं ले पाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस बारे में भी हम बात करेंगे कि उन डेटास का होता क्या है और इस तरह के डेटास कैसे कलेक्ट किए जाते हैं और आप उस पे अग्री करते हो। तो वीडियो को गौर से अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत कुछ है जानने और समझने को। अगर आप चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरज, आप देख रहे हैं डीटेक। आइए जानते हैं। दोस्तों, हम अपने एंड्रॉयड फ़ोन में कुछ भी कर ले, गूगल से छिपा हुआ कुछ भी नहीं है। अगर आप अपने फ़ोन में किसी ऐप पे वक्त बिताते हो, अगर आप फ़ोन में कुछ सर्च करते हो, ये सब गूगल देखता है। और ये सब चीज़ मैं साबित करूँगा इसी वीडियो में। आपको करना क्या है, सिंपली अपने ब्राउज़र पे जाना है। ब्राउज़र पे जाने के बाद आपको टाइप करना है माई एक्टिविटी। आप जब इस वर्ड को टाइप करोगे तो एक लिंक आएगा, उसको आपको ओपन करना है। जो सर्च रिजल्ट आएगा उनमें से सबसे पहला जो रिजल्ट होगा उस पे आपको क्लिक करना है और जाना है उस पर्टिकुलर साइट। अगर आपने अपना अकाउंट उस ब्राउजर में लॉग इन करके रखा है तो ये खुल जाएगा, अदरवाइज ये लॉग इन करने को कहेगा। आप एक बार लॉग इन कर लो अपने जीमेल को, जो आप पर्टिकुलर यूज करते हो अपने फोन में डे टू डे लाइफ यूसेज के लिए, तो वो जीमेल आप यहाँ एंटर कर दो। और लॉग इन करके जब आप आगे बढ़ोगे तो आप एक ऐसे पेज पे जाओगे जहाँ पे आपकी पूरी हिस्ट्री है, जो ये दिखाता है आपको कि आपके बारे में आपसे ज्यादा गूगल को पता है और पूरी की पूरी डिटेल एज इट इज रखी गई है जब से आपने अपना जीमेल अकाउंट क्रिएट किया है। तो ऐसा नहीं साल दो साल की हिस्ट्री है वहां पे, जब से आपने जीमेल अकाउंट क्रिएट किया। अगर आपने जीमेल अकाउंट 7 साल पहले 8 साल पहले क्रिएट किया हो तो उन 8 साल का पूरा कंप्लीट डेटा उस जगह अवेलेबल है कि आपने कब किस वक्त क्या किया था, वो सब वहाँ पे विजिबल है। साथ ही साथ ये वो इन्फॉर्मेशंस है जो गूगल हमें दिखाता है। उन इन्फॉर्मेशंस के बारे में हमें पता नहीं है जो गूगल कलेक्ट करता है और हमें बताता नहीं है। तो ऐसे काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशंस हैं जो आपकी हैबिट है, जो आपकी रीडिंग हैबिट है, जो आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है, उस बारे में गूगल हमें ज़्यादा जानकारी नहीं देता। आपको सिर्फ वो चीज़ दिखाया जाता है जो आप करते हो। आप यहाँ जब स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाओ, ये इन्फिनिटी की तरह है। जब से आपने ईमेल बनाया है तब तक आप टाइमलाइन में पीछे जा सकते हो, जहाँ पे आप देख सकते हो आपने वक्त वक्त पे क्या कुछ सर्च किया, किस ऐप में कितना वक्त बिताया, किस चीज़ को सर्च किया, किस गेम को खेला, किस गेम से सिंक किया, किस गेम में आप कितने लेवल तक हो, किस ऐप में आपने अपने जीमेल से अकाउंट बनाया है, उस ऐप पे आपने कितना वक्त बिताया है, सब कुछ यहाँ अवेलेबल है। आपने कब कौन से आर्टिकल को पढ़ा था वो भी अवेलेबल है। आपने पिछले दीपावली में फ्रिज के लिए सर्च किया था या टीवी के लिए, वो भी अवेलेबल है। ये सारे डेटास फ्री में अवेलेबल हो जाते हैं गूगल को और गूगल इसे कैश करता है। आपको इसकी गंभीरता शायद अभी समझ नहीं आ रही, लेकिन आने वाले वक्त में ये बातें आपको समझ आएंगी। अगर आप इसको वाकई में ठीक करना चाहते हो, अगर आप इससे बचना चाहते हो, तो सिंपली मैं जो बता रहा हूँ वो आप कर सकते हो। आपको जाना है टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, जो आपको 3 डॉट्स दिख रहे होंगे वहाँ पे, और आपको क्लिक करना है एक्टिविटी कंट्रोल पे। जब आप एक्टिविटी कंट्रोल पैनल पे जाओगे तो वहाँ आपको 3-4 ऑप्शंस देखने को मिलेगा जिसको आप ऑन या ऑफ कर सकते हो। ये सेक्शन आपके गूगल में सर्च किए गए साइट्स और एप्स के बारे में बताता है, आपने कितना वक्त किस ऐप के साथ, किस वेबसाइट के साथ बिताया, क्या सर्च किया और किन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट है। बेसिकली ये चीज़ ये पता करता है। तो आपको अगर अपनी प्राइवेसी को बचा के रखना है तो सिंपली इसको बंद करके रखना है। बाय डिफ़ॉल्ट ये सारी चीज़ें जो अभी दिखेंगी ये सब ऑन होती हैं और 99% यूजर्स को इस बारे में पता नहीं होता है। अगर आप इसके बारे में पहले से जानते थे तो वेल एंड गुड, आप एक जागरूक एंड्रॉयड यूज़र हो, ये तो मैं कह सकता हूँ। यहाँ पे फिर नीचे मैनेज एक्टिविटी का ऑप्शन आपको दिखेगा, तो मैनेज एक्टिविटी में आप बेसिकली कंट्रोल कर सकते हो इस चीज़ को, पॉज कर सकते हो या जितने भी डिटेल्स हैं उसको डिलीट कर सकते हो या फिर ऑटो डिलीट पे भी रख सकते हो, जो नए सेटिंग्स में अवेलेबल हुआ है कि यहाँ पे एक ऑटो डिलीट का ऑप्शन है। आप 3 महीने में या 6 महीने में चीज़ों को डिलीट करना चाहते हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो और वो ऑटोमेटिक 3 महीने बाद पुराने हिस्ट्री को डिलीट कर देगा। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप पुराने रिकॉर्ड्स को नहीं रखना चाहते हो तो। पर मेरी एडवाइस में आप पूरी तरीके से इसको बंद करके रखो। आप क्यों अलाउ करोगे गूगल को कि आप व्हाट्सएप पे कितना वक्त बिताते
बिताते हो, फेसबुक पे कितना वक्त बिताते हो, जीमेल पे कितना वक्त बिताते हो, या फिर कोई भी अदर ऐप पे कितना वक्त बिताते हो, ये आप अलाउ क्यों करोगे गूगल को कि वो आप पे नजर रखे। तो आप सिंपली इन सारे चीजों को बंद कर सकते हो। बंद करने का यहाँ मेरा मतलब है पॉज कर सकते हो। आप इसको बंद तो नहीं कर सकते, ऑब्वियस सी बात है, आप इन सब चीजों को पॉज कर सकते हो ताकि आगे से गूगल आपकी जानकारी ना कलेक्ट करे। लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि ये सिर्फ वो जानकारी है जो गूगल हमें मुहैया करा और हमें उस डेटा को कंट्रोल करने का ऑप्शन दिया है। ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है, ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स हैं जिसको गूगल एनालाइज करता है। अगर आपके फोन में नेट ऑन है और आप कुछ कर रहे हो तो उस वक्त पूरा गूगल का एंड्रॉयड सिस्टम वो एनालाइज कर रहा होता है आपकी रीडिंग हैबिट, आपकी यूसेज को, कि आप क्या यूज करते हो एक्चुअली फोन्स में, ज्यादा वक्त आप किस चीज के साथ बिताते हो, और एक एल्गोरिदम के थ्रू इस चीज को डिकोड किया जाता है और उस डिकोडिंग के दम पे आपको एड्स पुश किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो पूरा गेम है वो एड के ऊपर निर्भर करता है। आपको जो एड्स दिखते हैं इन सारे ही चीजों का, इन सारे ही डेटा का एक कॉम्बिनेशन होता है। ये एक गौर करने वाली बात है जो हमें समझनी चाहिए। एज अ यूजर हम बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज करते हैं, हम अपने फोन में, हम अपने लाइफ में इतना बिजी होते हैं कि हम अपने डेटा का ख्याल नहीं कर पाते। वहीं पे अभी आधार कार्ड के ऊपर कुछ हो जाए तो सब सड़क पे उतर आएंगे, फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन है, ये है वो है। लेकिन यहाँ पे आप स्वइच्छा से सारी डिटेल्स किसी एक प्राइवेट कंपनी के हाथ में दे रहे हो, जो ज्यादा खतरनाक, शायद आपके बायोमेट्रिक डेटा से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पे एक वर्चुअल इंसान को क्रिएट किया जा सकता है उसके सारे पैटर्न्स को एनालाइज करने के बाद। अगर कोई मेरे पूरे पैटर्न को एनालाइज कर लेता है कि मैं कैसे जीता हूँ, क्या पसंद है क्या ना पसंद है, तो एक वर्चुअल धीरज सिंह को क्रिएट किया जा सकता है जो मेरे तरह ही सोचे। आप समझ रहे हो इस बात को, ये बहुत ज्यादा गंभीर इशू है जिसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते। उसके बाद गाइस नीचे आता लोकेशन का सेक्शन। लोकेशन में भी आप यही करो, लोकेशन को आप बंद कर दो। उसके बाद जो नीचे आता है वो YouTube हिस्ट्री को लेके है। अब YouTube हिस्ट्री यहाँ पे बहुत लोगों के लिए अच्छी है, बहुत लोगों के लिए खराब है। यहाँ पे एडवाइस यही होगी कि इसको अभी आप बंद करके रखो। लेकिन YouTube हिस्ट्री को बंद करने से एक चीज होगा कि YouTube ऐप में जो आपके पसंदीदा वीडियोस या फीड आते हैं आपके होम पेज पे, वहां पे आपको उस तरह के वीडियोस नहीं मिलेंगे, पर्सनलाइज वीडियो या पर्सनलाइज कंटेंट नहीं देखने को मिलेगा। आपने जिन चैनल को सब्सक्राइब किया होगा बेसिकली उनके ही वीडियोस आ रहे होंगे, या फिर रैंडमली YouTube का एल्गोरिदम कुछ ऐसे वीडियोस को प्रमोट करेगा आपके फीड पे जो पर्सनलाइज्ड नहीं होगा। तो इसका ये एक नुकसान है। अदरवाइज एडवाइस यही होगी कि आप इसको बंद करके रखो। किसी भी तरीके का पर्सनल डेटा जो ये कैलकुलेट करने में मदद करे कि आप आखिर सोचते कैसे हो, आपका टेस्ट क्या है, आपकी प्रेफरेंसेस क्या है, ये चीज जो हेल्प करती है किसी भी इंसान को समझने में, ये आप अलाउ मत करो। और ये वीडियो बनाने का यही मकसद है कि आप इन चीजों को समझो। और अगर आप इन सारी चीजों को नहीं भी समझ पा रहे तो आपको बेसिकली कुछ नहीं करना, जो मैंने ट्यूटोरियल दिखाया आप उसको आंख बंद करके फॉलो करो और सिंपली जो तीन चीजें थी उसको आप बंद कर दो। और माय एक्टिविटी के सेटिंग्स में जाके वहां एक डिलीट एक्टिविटी करके ऑप्शन है, आप प्रीवियस सारी एक्टिविटीज को डिलीट कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ा एक ऑप्शन है। अगर आप 3-4 जीमेल एड्रेस यूज करते हो तो उन सब में ये करो। खासकर अगर आपके मम्मी पापा फोन यूज करते हैं, स्मार्टफोन यूज करते हैं, या कोई घर में छोटा है जो इन चीजों को इतनी अच्छे से नहीं समझता है, उनके फोन्स में ये सारी चीजें करके रखो, क्योंकि वो इन सारी चीजों को नहीं समझते। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम ये सारी चीजें करके रखें, उनको एक तरीके से प्राइवेसी तो फील करवाएं। फोन का मतलब तो यही होता है ना कि प्राइवेट है वो, इसीलिए तो आप फोन में पासवर्ड भी लगाते हो। लेकिन उस पासवर्ड का क्या फायदा जो आपको किसी और प्राइवेट कंपनी के सामने ओपन कर रहा हो, एक्सपोज कर रहा हो, वो तो सही नहीं है। यहाँ पे ये गौर करने की चीज है। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात समझ रहे होंगे, और अगर आप ये चीज समझ रहे हो तो इन स्टेप्स को फॉलो करके आप इन सब चीज से बच सकते हो। तो गाइस ये थी पूरी डिटेल गूगल माई एक्टिविटी के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पे कर दो ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। प्लीज अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखो। अगर आपका कोई सवाल और सुझाव है तो प्लीज नीचे कमेंट करके बताओ, और मेरे एक सवाल का जवाब देना कि गूगल आपको पर्सनलाइज एड पुश करने के लिए आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करे और उसको एनालाइज करके पर्सनलाइज एड पुश करे। हो सकता है कुछ लोगों को पसंद है क्योंकि उनको अपनी प्रेफरेंस की चीज दिखे। ऐसे बहुत लोगों के साथ है कि वो अपने डेटा को उतने सीरियसली नहीं लेते। पर क्या आप इन सारी चीजों को सपोर्ट करते हो, या आपके नजर में ये सारी चीजें गलत है जो डेटा कलेक्ट की जाती है गूगल या फेसबुक या अदर कंपनीज के द्वारा, बताओ नीचे कमेंट्स में। मुझे भी जान के अच्छा लगेगा आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस पे। मिलता हूं आप सबको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।